हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनेक्टेड स्टडी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, जिसको डेवलप किया है भारत बायोटेक कंपनी ने, जो हैदराबाद में स्थित है, जिसको अब अप्रूवल मिल चुका है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए, जो जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे। सो डिस्कस करेंगे भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन। एज यू नो, इट लॉट टू डिस्कस। बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब करें हमारे कनेक्टेड स्टडी चैनल को और हमसे जुड़े रहिए आने वाली वीडियोस के लिए। यहाँ पर कोवैक्सीन, इंडिया जीनियस कोविड-19 वैक्सीन बाय भारत बायोटेक इज डेवलप्ड इन द कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। यहाँ पर भारत बायोटेक ने कोविड-19 की वैक्सीन तैयार की है, जिसका नाम है कोवैक्सीन, विद द हेल्प ऑफ, जिसने उसकी हेल्प ली है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक लैब, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV। द इंडिजीनियस इनएक्टिवेट वैक्सीन इज डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर इन भारत बायोटेक VSL3 बायोसेफ्टी लेवल 3 इन हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी। भारत बायोटेक की VSL3 बायोसेफ्टी लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में इसको डेवलप किया गया है। इसको अप्रूवल मिल चुका है DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर फेज 1 एंड फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। अब ये फेज 1 फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स होते क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अप्रूवल दिया गया है ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ने, जिसके ट्रायल्स स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई 2020 में। अब कंपनीज हैं जिसको उसने डेवलप किया है, वो है पहली भारत बायोटेक इंडिया BVIL हैदराबाद में स्थित है, सेकंड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे में जो स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV अंडर द ICMR, जिसने नेशनल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने काम किया है, वो अंडर काम किया है ICMR के। अब NIV का इसमें रोल क्या था, इसमें रोल था कि NIV ने एक एसोपटोमिक कोरोना वायरस पेशेंट का एक स्ट्रेन कलेक्ट किया, आइसोलेट किया और उसको ट्रांसफर किया भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड को। अब टाइप्स की बात करते हैं वैक्सीन के टाइप्स के बारे में। पहला है लैब अटेन्यूएटेड वैक्सीन और दूसरा है इनएक्टिवेट वैक्सीन। पहले लैब अटेन्यूएटेड के बारे में वैक्सीन में बात करते हैं। ये वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव वीकेंड अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन। एक वैक्सीन जो तैयार की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और वो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या वायरस को वीकेंड कर दिया जाता है लेबोरेटरी कंडीशन में। अब इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। बिकॉज दिस वैक्सीन आर सो सिमिलर टू द नेचुरल इन्फेक्शन दैट दे हेल्प टू प्रिवेंट। अब ये वैक्सीन नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू तैयार की जाती है, तो ये प्रिवेंट करती है हमारे जो वायरस और बैक्टीरिया को। दे क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून सिस्टम, ये बनाती है एक हमारे इम्यून सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक मजबूत और फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड वायरस। अब डोजेज हैं इसके, वो है 1 या 2 डोजेज, वो काम कर जाते हैं पूरी लाइफ टाइम के लिए। इनके डोजेज को कोई बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, या एक बार लेके इनका काम हो जाता है। अब सेफ्टी और स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। एटेन्यूएटेड पैथागोन्स हैव द वेरी रेयर पोटेंशियल टू रिवर्ट टू ए पैथोजेनिक फॉर्म एंड कॉज ए डिसीज इन वैक्सीन ऑन देयर कॉन्टैक्ट्स। अब इसमें ये कहा गया है कि जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, वो उनके बहुत ही कम मात्रा में रेयर केस होते हैं जो रिवर्ट कर जाती है, एक्स्ट्रा डिसीज को अफेक्ट करते हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स निकलते हैं। अब बात करते हैं लिव वैक्सीन आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मीमल्स, मम्स, रोबेला, रोटावायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। यहाँ पर जो वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है हमें मीजल्स, मम्स, रोबेला, रोटावायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा के सेफ्टी के लिए। अब बात करते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आर मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस, बैक्टीरिया, अदर्स डेट हैव बीन किल्ड थ्रू ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। दिस किल्ड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट कॉज डिसीज। अब यहाँ पर जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाई जाती है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है, पर इसमें जो वायरस और बैक्टीरिया होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में,
उनको हम पूरी तरह किल करके या खत्म करके ये वैक्सीन प्रिपेयर की जाती हैं, सो ये डिसीज को नहीं होती हैं। अब इम्यून रिस्पॉन्स की बात करते हैं। इनएक्टिवेटेड होल सेल कौन सेल वैक्सीन मे नॉट ऑलवेज इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड द रिस्पॉन्स मे नॉट बी लॉन्ग लिव्ड। यहाँ पर जो बात करेगी कि यहाँ पर जो इनएक्टिवेट वैक्सीन्स होती हैं वो उनका एक लॉन्ग पीरियड नहीं होता कि ये बहुत समय तक या लाइफ टाइम ही काम करेंगे। अब इनके डोजेस जो होते हैं वो एक बार तो डोज देना ही देना है, फिर उनके अकॉर्डिंग टू द टाइम या अकॉर्डिंग टू द नीड हम इनको जो ह्यूमन बॉडी है उनको हम बूस्टर देते हैं, वैक्सीन बूस्टर। जो जैसे हमारा पोलियो हुआ, पोलियो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करता है, जिसमें हर हर महीने या हर साल के अंतर के बाद हमें वैक्सीन या देनी पड़ती है बच्चे की। अब सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी है। इनएक्टिवेटेड होल सेल वैक्सीन हैव नो रिस्क ऑफ इंड्यूसिंग द डिसीज दे आर गिवन अगेंस्ट एज डू नॉट कंटेन लिव कंपोनेंट। यहाँ पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का, यहाँ पर कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। दे आर कंसिडर्ड मोर स्टेबल देन एलएवी वैक्सीन। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की वो लिव एटेनुएटेड वैक्सीन की बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं किस किस डिसीज के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करती है। पहला है हेपेटाइटिस ए, दूसरा है फ्लू, तीसरा है पोलियो, फोर्थ है रेबीज। इन चार डिसीज से हमें प्रोटेक्ट करती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब बात करते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के स्टेजेस या फेजेस के बारे में। इसके 6 फेज होते हैं। पहला एक्सप्लोरेटरी स्टेज, दूसरा प्री क्लिनिकल स्टेज, थर्ड है क्लिनिकल डेवलपमेंट, इसमें 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फोर्थ है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, फिफ्थ है मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। सबसे मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्लिनिकल फेज। अब बात करते हैं पहले से एक्सप्लोरेटरी स्टेज। इसमें वैक्सीन देखी जाती है कि इसके सिस्टम सिम्टम्स और वैक्सीन बनाई जा सकती है या नहीं, या किस किस हमें माइक्रो ऑर्गेनम को हमें चेक करना होता है कि क्या क्या सिम्टम्स है माइक्रो ऑर्गेनम के हमारे बैक्टीरिया के को हम चेक करते हैं। फिर सेकेंड है प्री क्लिनिकल स्टेज। यहाँ पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है जानवरों पर, जैसे बंदर चूहा और जैसे कोई बिल्ली वगैरह पर, इन पर हम ट्राई करते हैं। थर्ड है क्लिनिकल डेवलपमेंट। क्लिनिकल डेवलपमेंट में हम ट्रायल करते हैं ह्यूमन बॉडीज के ऊपर। इसमें 3 फेज हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। हर एक फेज के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी का नंबर इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्लिनिकल डेवलपमेंट में। फोर्थ है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, इसको रिव्यू किया जाता है और गवर्नमेंट इसको अप्रूवल दे देती है। फिर फिफ्थ है मैन्युफैक्चरिंग एंड स्प्रेडिंग, आप पूरे जहाँ पर वायरस है उनको ये स्प्रेड कर देते हैं, पूरी वैक्सीन को हम स्प्रेड कर देते हैं पब्लिकली। सिक्स्थ है क्वालिटी कंट्रोल, अब इसकी क्वालिटी को हम मेंटेन करके रखते हैं कि क्वालिटी अकॉर्डिंग हमें समय समय के अंदर क्या क्या वैक्सीन में क्या क्या अंतर करना है, क्या क्या नहीं करना है। आगे हम बात करते हैं क्लिनिकल डेवलपमेंट के बारे में। क्लिनिकल डेवलपमेंट इज ए 3 फेज प्रोसेस। न्यू वैक्सीन मस्ट पास थ्रू दिस 3 फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स बिफोर बीइंग डीम्ड सेफ एंड इफेक्टिव फॉर यूजर पब्लिकली। यहाँ पर 3 फेज का होता है क्लिनिकल डेवलपमेंट। कोई भी नई वैक्सीन हो उसको इन क्लिनिकल डेवलपमेंट से पास होना पड़ता है और मीजर कराया जाता है कि वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है यूजिंग पब्लिकली, पब्लिक के यूज के लिए। ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक इट मे टेक 12 to 18 months बिफोर दिस कोरोना वैक्सीन इज रेडी फॉर पब्लिक यूज। यहाँ पर जो क्लिनिकल डेवलपमेंट है वो 12 से 18 महीने ले सकता है पूरे प्रोसेस को कवर करने के लिए, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है। हम जो गवर्नमेंट के अप्रूवल हैं वो गवर्नमेंट जल्दी जल्दी कर रही है, ट्रायल जल्दी जल्दी कर रही है, जिससे पेंडेमिक जल्दी से समाप्त हो सके। यहाँ पर क्लिनिकल फेज 1 की बात करते हैं। फेज 1 ट्रायल एग्जाम ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, टिपिकली बिटवीन 20 to 80 इंडिविजुअल हु रिसीव डिफरेंट डोजेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। यहाँ पर 20 से 80 लोगों को लिया जाता है जो अलग अलग डोजेस दिए जाते हैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, और चेक कराया जाता है कि ये ट्रीटमेंट इन पर अफेक्ट करता है कि नहीं, इनके जो हेल्थ उनको इम्प्रूव करता है या नहीं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये अफेक्टिव ट्रीटमेंट है या नहीं,
अब ये होता है कुछ मंथ का रिसर्च, और जैसे कि बताया कि ये कुछ मंथों में इसको प्रोसेस को हम कर लेते हैं। सेकंड है फेज टू। फेज टू ट्रायल्स टिपिकली एग्जाम सेवरल हंड्रेड पीपल्स एंड मॉनिटर पार्टिसिपेट्स फॉर पीरियड्स ऑफ फॉर्मिस सेवरल मंथ्स टू टू ईयर। यहाँ पर जो पीरियड है वो सेवरल मंथ से टू ईयर हो सकता है, कुछ महीने से 2 साल तक हो सकता है। इसमें जो टिपिकली पीपल्स को लिए जाते हैं, पीपल पार्टिसिपेट करते हैं वॉलेंटियर, उसमें 100 पीपल होते हैं, कुछ 100 मतलब कि 200, 300, 400 इन व्यक्तियों को लिया जाता है। टू ट्रायल्स कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी मेजर ऑफ सेफ्टी, अफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड साइड इफेक्ट। यहाँ पर फेज टू ट्रायल्स को कंसिडर करते हैं सेकेंडरी मेजर ऑफ सेफ्टी, अफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड साइड इफेक्ट्स को। यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया भी होते हैं फेज टू में, कि किसी की एज के अकॉर्डिंग कैसे ये वैक्सीन ट्रीट करती है उसको, किसी को हार्ट डिजीज है तो उसको कैसे ट्रीट करती है, और तीसरा अगर कोई डिजीज है या रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका कमजोर है या बड़ा हुआ है तो उसको कैसे ये ट्रीट करती है, इन क्राइटेरियों का भी ध्यान में रखा जाता है फेज टू में। फेज थ्री ट्रायल्स टिपिकली फॉलो 300 to 3000 पार्टिसिपेट ओवर द कोर्स ऑफ 1 or 4 ईयर विद ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। रिसर्चर कैन टेक नोट्स ऑफ अनयूजुअल साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड बाय लेथनिंग स्टडी पीरियड। यहाँ पर जो ट्रायल्स के लिए मेंस लिए जाते हैं या पर्सन वुमेन्स बॉडी ली जाती है, उसमें 300 से 3000 व्यक्ति लिए जाते हैं ट्रायल्स के लिए, जिसमें अनयूजुअल साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग मतलब कि किसी वैक्सीन या किसी दवाई के अनयूजुअल साइड इफेक्ट्स को चेक करते हैं, और दे कंसिडर द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, और इसमें कंसिडर करते हैं कोई 2 साल या 3 साल या 1 साल के बाद कोई साइड इफेक्ट्स वैक्सीन का आता है या नहीं। अब बात करते हैं अदर फॉर्म्स फर्म्स की जो बात कर रहे हैं, जो बना रहे हैं COVID-19 की वैक्सीन को इंडिया में। पहला है जाइडस कैडिला, दूसरा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, थर्ड है पेनासिया बायोटेक। ये जो तीन कंपनियां हैं COVID-19 की वैक्सीन में लगे हुए हैं, और ये अभी प्री क्लिनिकल प्रोसेस में है। इन्होंने जानवरों के ऊपर टेस्ट कर लिया, अब कुछ ही हफ्ते या महीनों के अंदर इनको ह्यूमन बॉडी पे ट्रायल करने के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। अब वर्ल्ड वाइड फर्म्स की बात करते हैं जो COVID-19 वैक्सीन में बनाने के लिए तैयार है। पहला है एस्ट्राजेनिका एंड सेकेंड है मॉडर्ना। अब यहाँ पर जो सबसे पहले वैक्सीन आएगी वो आएगी एस्ट्राजेनिका की, क्योंकि एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन है जो इसने तैयार कर रहा है वो फेज थ्री क्लिनिकल फेज थ्री के लिए अप्रूव कर दी गई है WHO ने। तो जहाँ पर जो पहली सबसे पहली वैक्सीन आएगी एस्ट्राजेनिका, अगर ये सफल होती है तो। एस्ट्राजेनिका जो फर्म है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की AZD1222 वैक्सीन को तैयार कर रहा है, जिसका हाल ही में अभी नाम चेंज कर दिया गया है। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड अदर्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन, एंड सब्सक्राइब कनेक्टेड स्टडी चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। साइन ऑफ।